那么。 Sweet child.

लेकिन हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोगों को जो मेरा लेक्चर है वो जरूर काम आएगा मैं जो भी नोट्स है यह सब हैरिसन की बुक पढ़ के फिर सोच सोच के अपने सर लोग के नोट्स से ये सब मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग हमारे सब चिकित्सक लोग आगे बढ़े आप लोग के पास ऐसे पेशेंट जब आए तो आप लोग घबराए नहीं क्या इसका क्या इलाज है तो आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज का लेक्चर शुरू करता हूँ कृपया म्यूट रखिए सब लोग तो क्रॉनिक फोटिक सिंड्रोम करके जो बीमारी है ये मॉडर्न में ऐसा नाम दिया गया है लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग इसको बाद में सोचेंगे पढ़ेंगे लेकिन हम लोग पहले इसको मॉडर्न के भाषा में क्या क्या बोला जाता है वो हम लोग देखेंगे आप लोग के बहुत सारे लोगों के लिए ये नया शब्द है बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में लेकिन ये होता है ऐसे पेशेंट आजकल पाए जा रहे हैं वो सब क्यों हो रहा है यही हम आज बात करने वाले हैं तो क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम जो रहता है ये इस तरह का डिसऑर्डर रहता है जिसमें बहुत ज्यादा थकावट फील होती है फटीक होता है और उसमें बहुत ज्यादा थकावट रहती है और बहुत ज्यादा और उसका कोई रिलेशन नहीं रहता कि एक्सर्शन किया है बहुत मेहनत क्या है और अगर छह महीना भी पेशेंट आराम करता है बेड रेस्ट करता है हॉस्पिटल में या घर पे तब भी उसको फायदा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट करने से आराम नहीं मिलता है इसमें और ये बहुत टाइम तक रहता है और इंसान अपने जो डेली एक्टिविटीज है वो भी नहीं कर पाता है तो एलोपैथी के हिसाब से मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला गया चला आज तक ऐसा सजेस्ट uh, किया जाता है कि ये इंफ्लेमेशन हुआ है नर्वस सिस्टम में पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑटोनोकमिक नर्वस सिस्टम सिंपथैटिक पैरासिम्पथैटिक में इंफ्लेमेशन हुआ है और उसके वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है या प्रोसेसेस जो है वो अफेक्ट हुआ है इसी तरह से कुछ एज रिलेटेड होता है कुछ इलनेस के वजह से होता है कुछ स्ट्रेस के वजह से होता है कुछ एनवायरमेंट के वजह से होता है कुछ जेनेटिक्स कारण हो सकते हैं बहुत सारे कारण हैं ये केवल अभी सोचा जा रहा है कि ये क्यों होता है और यह ज्यादातर स्त्रियों में पाया जाता है जिनको थर्टी से फिफ्टी ईयर्स का एज होता है लड़कियों में ये ज्यादातर पाया जाता है तीस से पचास साल के एज में ज्यादातर पाया जाता है पुरुषों में उतना नहीं पाया जाता है और भी कारण हो सकते हैं कि कोई ड्रग डिपेंडेंसी है एलोपैथी का कोई आ, ये ले रहे बीपी की दवाई ले रहे हैं या फिर डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं या पेन किलर्स ले रहे हैं या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है शरीर में एसिडी डिजीज है या बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे अस्थमा है या फिर रोमोट्राइटिस है उसके वजह से हो सकता है या इन्फेक्शन है बॉडी में थायराइड का डिसफंक्शन है डायबिटीज है मसल और नर्व डिजीज है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है या फिर हार्ट की बीमारी है किडनी की बीमारी है लीवर के डिजीजेस है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ज्यादातर डिप्रेशन ऐसा बोला जाता है कि काम शोक भयाद वायु ऐसे बोला जाता है काम से शोक से भय से वायु का प्रकोप होता है तो हमें वह समझना चाहिए कि वायु का प्रकोप हो रहा है थकावट हो रहा है अंग मर्द हो रहा है यहाँ पे अंग मर्दन करने जैसी वेदना होती है ऐसा आप लोग को अनुभव होगा और दूसरा क्या है हमारे जो पेशेंट है वह हमें बताते हैं सारा चीज लेकिन हमें आयुर्वेद के हिसाब से बात इस हिसाब से डायग्नोज करना पड़ता है और लक्षण के हिसाब से या फिर शरीर में ट्यूमर्स हो जाते हैं उसके वजह से भी हो सकता है इसमें ज्यादातर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं तो इसमें मल्टी सिस्टमिक डिजीजेस रहते हैं या फिर उन्हीं से मिलते जुलते रहते हैं जैसे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा मेलियज रहेगा मतलब पोस्ट एक्शनल मेलियज रहेगा ऐसे थकावट रहेगा अंगमर्द रहेगा या फिर अन रिफ्रेशिंग स्लीप रहेगा मतलब पेशेंट सोए है रात भर लेकिन उनको फ्रेश नहीं हो रहा है उनका थकावट हमेशा रह रही है हमेशा नींद जैसा आ रहा है या फिर उनको मसल्स पेन है ज्वाइंट पेन है मतलब अथरॉलजिया है एक ज्वाइंट से दूसरे जिसको हम माइग्रेटरी माइग्रेटरी अथरॉलजिया एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट में उसको हमेशा पेन रहता है और ज्वाइंट स्वेलिंग नहीं है रेडनेस भी नहीं है ऐसा कोई बड़ा बीमारी नहीं है लेकिन उसको ज्वाइंट पेन रह रहा है इसी तरह से उसको कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है और इसमें फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन हो रहा है मतलब तो थक जा रहा है इंसान सुबह उठने के बाद तैयार होने के बाद भी वो थक जा रहा है बहुत जल्दी और इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हेल्दी पर्सन और एक्टिव पर्सन के तुलना में इसमें पेशेंट ज्यादा और दूसरा क्या स्टमक पेन है ब्लोटिंग है नोशिया है साइनस प्रॉब्लम है सोलर ग्लैंड से, नोट से, सोर थ्रोट है और ब्रेन का फॉग एक तरह से कुछ तो अंधेरा चाहे मतलब जैसे बादल छा जाते हैं वैसे ब्रेन में कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा है फंक्शन वगैरह उसको जो भी हमारा बुद्धि का काम है वो मन का काम है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा मसल पेन है ज्वाइंट पेन है हेडेक है, है ऐसा हो सकता है और ये अगर ज्यादा रहा क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम ज्यादा रहा तो डिप्रेशन आ सकता है और इसमें ये भी रहता है कि वो ना uh, 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 समाज में अगर कहीं कोई इंसान ऐसा बीमार पेशेंट जा रहे तो उसको और ज्यादा बढ़ जाता है जैसे कि सफोकेशन होता है अंदर से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन में हमें पहले तो एम करके डिमालिनेशन हो है क्या माइलिन शीट का डिमोलिनेशन हो रहा है वो देखना चाहिए थारॉयड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए ग्लूकोज इनटॉलरेंस टेस्ट कराना चाहिए इ एस आर करना चाहिए सीबीसी कराना चाहिए कंप्लीट ब्लड काउंट देखना चाहिए प्लेटलेट काउंट एल एफ टी देखना चाहिए लिवर फंक्शन टेस्ट देखना चाहिए अब आते हैं आयुर्वेद में आयुर्वेद में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो शरीर का बल है वह कम हो गया है पेशेंट का अब बल की परिभाषा हम लोग देखेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि जो ये उदानो बलम उच्चते उदान वायु जो है वो बल देती है और ऐसे बोले वाक प्रवृत्ति पर बल वर्ण स्मृति क्रिया बल देने का काम कौन करता है तो उदान वायु करता है दूसरा अगर हम लोग देखें कि शरीर में बल है तो वो हमारे शरीर में जो पुरुष धरा कला में मल है उसके आधार पर ही बल है ऐसा हम लोग पढ़ते हैं अगर वायु का प्रकोप ज्यादा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं मल जो है वो हमारा विकृत हुआ है पित्त का अगर हम लोग ताकत देखेंगे तो अग्नि पे डिपेंडेंट रहता है और कफ का अगर हम लोग ताकत देखेंगे तो ओज पे रहता है तो यहां पर कहीं ना कहीं अग्नि मंद हो रहा है पहला इसमें रहेगा स्टमक पेन ब्लोटिंग नौशिया हो रहा है तो कहीं ना कहीं अग्नि मंद हो रहा है अच्छा रस धातु नहीं बन रहा है रक्त मास में दस्ती तो तीन न्याय जो है किदार न्याय खले कपोत न्याय शीर दधी न्याय उससे शरीर का पोषण नहीं हो रहा है जितने धातुओं को जो जो चीज चाहिए रस धातु से परिणन जीवन वो चीज कार्य नहीं हो रहा है रस धातु अच्छा नहीं बन रहा है उससे नरिशमेंट नहीं मिल रहा है बल नहीं प्राप्त हो रहे उसी तरह से धातुअग्नि जो है वह बहुत कमजोर हो गई है जिससे अच्छा धातु नहीं बन रहा है और किट भाग ज्यादा बन रहा है और या फिर दोनों भी नहीं विकृत स्वरूप में ही रह रहे हैं इसी तरह से ओज के भी यहाँ पे कही कहीं ना कहीं क्षय हुआ है होने का कारण हो सकता है कि या तो अनुलोम तो में है तो हमें हेतु निकालना पड़ता है मतलब उसका मज्जा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा मज्जा पे और पित्त धरा कला पे प्रभाव पड़ा क्या मतलब क्यों हुआ है वो पेशेंट या शुक्र क्षय है क्या यह हमें पता लगे या फिर खाना पीना अच्छा नहीं खा पा रहे या अग्निमंद है उसका धातु का क्षय हुआ है ओज का क्षय हुआ है ओज जो है वो हमारा शरीर में इम्यूनिटी को कोरिलेट हम लोग करते हैं कि जितना शरीर में ओज है उतना इम्यूनिटी अच्छा है तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे वायु जो है वो प्रकोपित हुआ है मल का क्षय हुआ, हुआ है या वृद्धि हुआ है शरीर में मल क्षय से भी वायु का प्रकोप होता है मल की अति वृद्धि से भी वायु का प्रकोप होता है मल संचिति से भी होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल कम हो रही है और उसको पेशेंट को थकावट हो रही है तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं आयुर्वेद का ही प्रिंसिपल अपनाएंगे सबसे पहले दीपन पाचन अनुलोमन, तो हम लोग दीपन करते हैं आम का पचन करते हैं स्रोत का शोधन करते हैं फिर बलकर बल्य दवाइयां देते हैं और इसी तरह से अगर रस रस है क्योंकि रस शय के लक्षण क्या बताए अल्पे चेष्टा चेष्टाया या मतलब अगर यहाँ पे रस बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान चेष्टा जो रहती है वो कम करने लगता है ऐसा हमने संस्कृत में पढ़ा है इसी तरह से उदान वायु अगर कम है तो प्रयत्न बल वर्ज ऊर्जा जो है यह कम हो जाएगा तो यह उदान वायु की भी विकृति है इसी तरह से उसको अटेंशन और कंसंट्रेशन की विकृति है तो हमें यहाँ पे मिध्य दवाइयां भी देनी पड़ेगी तो पेशेंट को हमें तो एक तो दीपन पाचन अनुलोमन अनुलोम शोधन ये सब बल्ले दवाइयां देनी है हमें रस धातु को अच्छा करने वाली दवाइयां देनी है रस पाचक जैसे हैं जो रसगत आम का पचन करते हैं उसे जैसे उदान वायु को ठीक करने वाली दवाइयां देनी है और मेध्य दवाइयां दे मन पे काम करना है <coughs> इसी तरह से हमें हेल्दी लाइफ जो दिनचर्या बताई है आयुर्वेद की ब्राह्म्य मुहूर्त उत्तिष्ट स्वस्थ रक्षार्थम आयुषा ब्राह्म में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए वो हमें फॉलो कराना है इसी तरह से हमें सब चीजों को ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वह वेगो का धारण नहीं करना है उसी तरह से हमें खाने में त्रिविध कुक्षीय के हिसाब से खाना है अति प्रमाण में नहीं खाना है हमारे सर ऐसा बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसा बुलाया कि उतना ही खाएं कि हम लोग कहीं और भी किसी ने बुलाया भोज पे खाने के लिए तो हम उसके घर भी खा पाए इतना पेट में जगह खाली रहना चाहिए उस हिसाब से थोड़ा दो तीन ग्रास कम खाना खाए फुल खाना नहीं खाना है तो ये अगर हम नियम पालते हैं आयुर्वेद का और उसके बाद में जो बोले स्निग्ध मशनियात उष्णम मशनियात मतलब खाने गर्म होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए खाने में घी होना चाहिए स्नेह होना चाहिए तो ऐसे अगर हम लोग फॉलो करते हैं आयुर्वेद को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं उसी तरह से योगा और प्राणायाम करने से बहुत अच्छा फायदा होता है नींद अच्छा होना चाहिए क्योंकि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये हमारे तिर उपस्तंभ बताए हैं त्रय उपस्तंभ जैसे पिलर होता है बिल्डिंग को खड़ा करता है तो यह हमारे आहार अच्छा होना चाहिए अग्नि अच्छा होना चाहिए आहार को पचाने के लिए और निद्रा और ब्रह्मचर्य अच्छे से फॉलो होना चाहिए बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय हो जाता है बहुत ज्यादा क्षय हो जाता है तो पेशेंट को क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम ऐसा सिम्टम्स आ जाते हैं जब यह शुरुआत होती है तो हमें वात का चिकित्सा करना चाहिए और कुछ ग्रहणीय और रसायन द्रव्य देना चाहिए मैं कुछ काढ़े बताता हूँ जैसे कि दशमूल कषायम ये वात पे बहुत अच्छा काम करता है थकावट को दूर करता है और बल्ले भी है दशमूल कषायम फिर अगर पित्तजन्य संप्राप्ति हो रही है बहुत ज्यादा अग्नि मंद वगैरह हो रहा है तो उसमें अमृतोत्तरम कषायम फिर भारंग्यादि कषायम गुडुच्च आदि कषायम गंधर्व हस्त्यादि कषायम फिर उसके बाद में हम लोग इसमें वायु को ठीक करना है बैलेंस करना है तो हिंगूवचादी गुलिका धनवंतर गुलिका पूर्ण चंद्रोदय फिर उसके बाद में हम अग्नि को अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोग वैश्वानर चूर्ण अग्निमुख चूर्ण अजमोदादी चूर्ण लवण भास्कर चूर्ण हिंगवाष्टक चूर्ण चूण दाड़ीमाष्ट चूंड पंचाग्नि दीपा पंच दीपाग्नि चूर्ण अग्निमुख चूर्ण ये सब हम लोग देते हैं अग्नि कुमार रस अग्नि तुंडी वटी पेशेंट अगर कफ बात प्रकृति का है तो चित्र वटी, वटी शंख वटी बहुत सारे दीपन पाचन के द्रव्य है वटी सुखशेखर रस पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप है तो प्रवाल पंचामृत प्रवाल पिष्टि गुलकंद काम दुधा फिर आंवले का मुरब्बा पित्त शामक देते हैं उसी तरह से इसमें हम लोग रजत कल रजत भस्म देंगे तो पेशेंट को बहुत ताकत आती है वैक्रांत भस्म देते हैं खून की कमी के वजह से ऐसा प्रॉब्लम है स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं या खून अगर रक्त उसमें बहुत ज्यादा क्षय हुआ है रस रक्त तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पांडु की चिकित्सा दाढ़ीमा दिख रेत कटुका दिख रेत किरातिकता दिख रक्त पाचक ताप्या दिलाओ नवाय लो दाड़ी मवले दाड़ीमा दिख रहे ऐसे बहुत सारे और फिर हम खाने में बीट रूट फिर गन्ने आ, ये गाजर का रस बीट रूट का रस फिर उसके बाद में जो लाल साग होता है वो देते हैं मतलब पालक ये सब देते हैं तो रक्त बढ़ता है इसी तरह से हम लोग सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत ये देते हैं तो क्रॉनिक फ्रॉटिक सिंड्रोम में बहुत अच्छा फायदा होता है क्योंकि वो बल बढ़ाने वाले रसायन है समीर पन्नग रस से भी बहुत अच्छा फायदा होता है कुछ अवलेह देते हैं जैसे कि हम लोग चवन प्राश अवले अश्वगंधा अवले चवन प्राश अगर अच्छा से क्वालिटी से बनाए और वो देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा बल बढ़ता है अश्वगंधा रसायन विदार्यादि रसायन कुष्मांड पाक फिर उसके बाद में हम लोग ये देते हैं बिलवादी लेहम देते हैं लेहम देते हैं मन पे काम करना है बहुत तो कल्याण महापैशाची घृतम महापंचव्य घृतम ब्राह्मी घृतम सारस्वत घृतम ये देते हैं या फिर पंचामृत लौह गुगुल फिर स्मृति सागरस वटी मानस मित्र गुटिका जो भी कंडीशन है या जीवनीय घृत हिंगवादी घृत फिर पंच कोला जैसा कंडीशन है वैसे हम लोग घृत कल्पना वगैरह का प्रयोग करते हैं इस तरह से वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है पेट साफ नहीं हो रहा है और थकावट आ रही है तो अभ्यारिश दशमूला दशमूला से बहुत ताकत आती है ये देते हैं जब अग्नि बढ़ जाता आमा है आमावस्था चली जाती है तब हम विदार धानवंतर कषायम और बलाचूर्ण फिर सर्वकल्प क्वात वो लीवर पे भी काम करता है अग्नि को बढ़ाता है चूर्ण अश्वगंधा चूर्ण फिर अरिष्ट में अश्वगंधा रिष्ट बलारिष्ट द्राक्षारिष्ट मृद्विकारिष्ट है ना फिर लोहासा जैसा कंडीशन है वैसे हम देते हैं अगर लिम्फ नोट जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोग सारस्वत चूर्ण देते हैं स्मृति सागर रस देते हैं सोर थ्रोट है तो हम लोग गार्गलिंग करने को देते हैं तालिस आदि चूंड देते हैं सीतोपलादि चूर्ण देते हैं कर्पुर आदि चूर्ण देते हैं जैसा कंडीशन है वैसे मेडिसिन हेडेक है तो वातज पित्तज कफज क्या है वातज है तो हम शिरोधारा शिरो अभ्यंग नस्य देंगे पित्तज है तो हम वमन करा देंगे या विरेचन करा देंगे कपज है तो पंचकोल त्रिकटु षडुष्ण जो भी चीज है वो हम लोग देते हैं अगर एनलाज लिम्फ नोड है तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी अमृता गुग, को गुल कैशो को त्रिफला को गुल इन्फेक्शन को हटाने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं ऐसे में थोड़े बता रहा हूं ऐसे तो बहुत सारी दवाई है ज्वाइंट पेन हो अगर हो रहा है तो महायोगराज गुल त्रयोदशांग गुल लाक्षा गुगुल आभा गुगुल ऐसे बहुत सारे कल्पनाएं देते हैं अगर और पेशेंट को खुश रखने के लिए काउंसलिंग करते हैं अगर अनएक्सप्लेन मसल पेन हो रहा हैं तो पूरे शरीर में बलाश्युगंधादी लाक्षादी तेल का अभ्यंग कराते हैं महामार्श तेल शाली पिंड स्वेद कराते हैं और शीर वाला तेल चंदन वाला लाक्षादी तेल जो मसल्स को ताकत दे ऐसे दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे ये फटीक जो है वो ठीक हो जाए और पेशेंट को फटीक क्यों हो रहा है, है वो भी हेतु जानना पड़ता है कि पेशेंट रात को जाग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है क्या उसका जैसे ब्रेकअप हो गया तो वो बहुत ज्यादा चिंता करता है अब पहली वाली गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है तो या फिर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है तो उसको काम करने का उत्साह ही नहीं आता है क्यों जी रहे हैं ऐसा सोचता है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं लो हो रहा है मतलब लो फील हो रहा है ऐसे सारे सिम्टम्स में वायु की चिकित्सा करनी है मन को प्रसन्न करने वाला चिकित्सा करनी है तो कॉमेडी शो शो देखे हंसाने वाले क्योंकि जितना हंसते हैं इंसान तो क्या क्या होता है इंसान अगर खुश होता है तो डोपामाइन सिक्रिएट होता है सेरेटोनिन सिक्रेट होता है एड्रीन एलिन होता है और ये सारे हैप्पी हार्मोन सिक्रिएट होते हैं अगर दुखी रहेगा तो कैटाकोलामाइंस निगेटिव हार्मोन से होते हैं

पल्पिटेशन फील होने लगता है मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे, है कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप हो रहा तो है नित्यम सा जराश्रम हटाना है तो अभ्यंग जरूरी है पेशेंट को रोज अभ्यंग करें उससे फायदा होता है फटीक है स्लिप डिसऑर्डर है तो उसमें भी अभ्यंग बहुत अच्छा काम करता है स्नेहन सुधन वमन विरेचन इसमें पेशेंट को एंगेज करें इसी तरह से पोस्ट एक्शनल माइलियसिव इंपेयरमेंट ये जितना भी है ये सब पे मनो मानसिक चिकित्सा करना है uh, और फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो शुक्र धातु को बढ़ाने वाले वृक्ष दवाइयां देनी है। जैसे कि मनमत रस रसेंद्र काम चूड़ामी रस सिद्ध मकर ध्वज बंग भस्म फिर कामि विद्राम रस फिर शुक्र बढ़ाने वाला वृक्ष योग जैसे अश्वगंधा कपी कच्छू मुसली फिर विदारी शुंठी भी गोक्षा है वो देना है जितना शुक्र बढ़ेगा उतना इंसान में उत्साह बढ़ता है बल बढ़ता है बढ़ता है तो हमें पूरा वृक्ष दवाइयों का रोल ये भी है शुक्र धातु तो बढ़ाता ही लेकिन मन को हील करता है ऐसे कंडीशन में तो जीवन जीने का एक उसको एक ये मिलता है मतलब प्रेरणा मिलती है कि मुझे जीना है जितना शुक्र रहेगा उतना अच्छा वह जिएगा जिसका शुक्र का क्षय लॉस ऑफ लिबिडो है उतना वो ज़... क्योंकि मनुष्य शरीर में वो चीजें बनाई गई हैं मनुष्य को खुश रहना बहुत जरूरी है अगर निगेटिव सोचेगा तो उसको निगेटिव है और जो साधु मुनि है वो लोग तो वैराग्य में रहते हैं लेकिन वो मन को प्रसन्न करते हैं मन को नियंत्रित करके परमात्मा में लगाते हैं वो डिप्रेशन में नहीं होते है ना अब इस टॉपिक पे शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी आपको क्या मैम इस टॉपिक पे कहना है क्रोनिक फटिक सिंड्रोम पे कुछ कहिए मैम शशि मैम तक आवाज नहीं जा रही है पल्लवी मैम आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे हेलो हाँ जी मैम हाँ सर मतलब ये देखे हैं लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा सर सिम्टम लेके आते हैं मतलब एक डिसीज है तो उसके कारण ये हो रहा है करके जैसे हम डायबिटिक के पेशेंट देखते हैं सिकेरी के पेशेंट देखते हैं तो या तो यूरिन इन्फेक्शन है या तो क्रॉनिक राइनाइटिस है प्रतिशा है उसमें अगर ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज रहेगा तो भी तभी भी थकान रहती है मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत सारे रोगों में ये कारण करके आता है कि ये इसके वजह से ये थकान वगैरह हो रही है तो उसमें ज्यादातर हमको पहले तो जो रोग है उसको अगर ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाता है जैसे डायबिटीज में हम जो चिकित्सा करते हैं वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो कम हो जाएगा का भी वैसे ही है। और अगर कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट आके बोलता है कि थकान बहुत बहुत लग रही है लेकिन इसमें कुछ कारण नहीं मिलता है कि किस किस रोग के कारण ये हो रहा है करके तो तभी मुझे ऐसा लगता है कि हमको आपने जैसे बोला कि क्षयात्मक संप्राप्ति देख के उसके माउस धातु पे काम करने वाली ब्रुहन चिकित्सा देंगे तो उसमें अवश्य फायदा होता है और जैसे एलोपैथी में कहा गया है जब यूरिन में से प्रोटीन लॉस होता है तो मसल वीकनेस या तो थकान ज्यादा रहती है क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे मसल में रहते है पेशी में रहती है और जितना मसल लॉस रहे, रहेगा उतना थकान आना चालू होता है तो उसमें थोड़ा सा यूरिन टेस्ट भी करना जरूरी रहता है कि अगर कहीं से भी प्रोटीन जा रहा है तो फिर उसका, उसका मसल पे ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है तो यहाँ पे मांस धातु ऐसा हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट से सोचेंगे और ग्रुहन चिकित्सा और मांस धातु की चिकित्सा करेंगे तो सर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जी बहुत अच्छा बताया आपने सूरज जी अभय सर कुछ आप लोग बताना चाहेंगे अब है सर कुछ बोलिए इस टॉपिक पे आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या अभय सर हाँ सूरज जी बोलिए हेलो सर मतलब है ना मैंने ना, ना।, ना। हेलो सर हाँ जी हेलो सर मैंने ना मतलब ऐसे भी देखे पेशेंट पटेग वाले पर सर वो मतलब ऐसे स्पेसिफिक डिसीज नहीं रहता मतलब अभी जो मैम ने बताया वैसे रहता है सीकेडी मतलब डायबिटीज या अलग संप्राप्ति रहती है और उसके साथ मतलब थकावट वगैरह रहती है मतलब बढ़ने की वजह से या शुगर बढ़ने की वजह से या कुछ कुछ पेशेंट मतलब ऐसे ही कोई कारण नहीं रहता और अभी जो मैम ने बोला वैसे पेशेंट देखे मैंने ठीक है बहुत तो अच्छा बताया डॉक्टर अभय सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर अभय सर हाँ सर हाँ सर आपका क्या विचार है ऐसा ज्यादातर होता है मैंने देखा जी ठीक है बहुत अच्छा बताया आपने शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर शशि मैम सुन पा रही हैं क्या शत मैम कहीं और हैं महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर वैशाली मैम आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं मोना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं जी सर हां बोलिए मैम जी सर मेरे पास एक के मेन मतलब एक होता है ना कि सारी और कोई डिजीज है उसके साथ सिम्टम के जैसे मैम ने बताया कि सिम्टम के रूप में ऐसी कोई बीमारी मिल रही है कि क्रॉनिक फटीग रहता है पेशेंट को मेरे पास एक पेशेंट सर आया था उसको मेन प्रॉब्लम ही आई थी उसने कई जगह कंसल्ट किया एलोपैथी में दिखाया हर जगह दिखाया और मेरे पास भी आया सर उसको लेकिन सबसे ज्यादा रिलीफ सर उसको स्वर्ण योग से ही मिला था और मतलब जैसे सर धातु उसकी बहुत छीण थी और उसको और वो सर जॉब उसका था टेलर था सर तो बहुत ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन मैंने उसको सर स्वर्ण मार्क्सिक वंग मतलब एटलस ही दिया था स्टार्टिंग में सर सारी बादशामक दी जैसे आपने अजमोदा दी बताया गोदंती गु, अजमोदा दी शुंठी और साथ में कई सारे पार्थिव द्रव्य जैसे कुकुटांड तो और सर योगराज गुगुल, इन सब सर लेकिन उसको तो 25%, 20 रिलीफ रहता था। जब सर एक स्वर्ण योग ऐड किया तो उसको सर बहुत अच्छा रिलीफ मिला था पर वो बहुत कंटिन्यू नहीं कर सकता था लेकिन सर एक पेशेंट आया था मेरे पास मेन बहुत अच्छा बताया मैम आपने और कोई कुछ बताना चाहे बताइए नमस्कार सर हाँ सर आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या पेशेंट देखे हैं सर इसमें यदि इसमें जो फर्टी को है कमजोरी का लक्षण आता है उसमें और सारी रिपोर्ट तो करीब करीब नॉर्मल आती हैं और वीकनेस होती है तो उसमें रसायन का ग्रहणी पे काम करने से और वो ठीक हो जाता है क्योंकि रसायन के प्रयोग से उसकी सारी जो कमजोरी है वीकनेस है और ग्रहणी पर काम करने से धातुएं पूर्ण हो जाती है उसके हिसाब से उसकी वीकनेस जो है वो दूर हो जाती है सर जी बहुत बढ़िया बताया सर आपने रसायन का प्रयोग बहुत अच्छा बताया जी डॉक्टर वीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर डॉक्टर वीना मैम शशि मैम कुछ बोलिए आप लोग नहीं बोलना डॉक्टर नेहा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप पेशेंट है सर अच्छा देखिए पेशेंट देखिए पेशेंट ठीक है तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ आप लोग पेशेंट देखिएगा और फिर आ, हमें बताइएगा और आज का संभाषा जो है वो सवा आठ बजे ना होके हो बजे होगा ठीक है सुरेंद्र यादव जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आज की संभाषा नौ बजे होगी सवा आठ बजे नहीं होगी टाइम चेंज हो गया है जिसको ज्वाइन होना है वो नौ बजे ज्वाइन होगा खाना पीना खा के आइएगा तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ थैंक यू प्रणाम सभी लोग को